अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे गद्दार की वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मुसलमान होकर वो मुसलमानों की गद्दारी करता है और बीजेपी का बहुत बड़ा दलाल है, बहुत बड़ा एजेंट है। उसका नाम है दोस्तों मौलाना अंसार रजा, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अक्सर नहीं आप दोस्तों एवरी डिबेट, हर डिबेट में इस मौलाना को देखते रहते होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं वो वीडियो मैंने अपने फोन से खुद बनाई थी और खुद लाइव सीन देखा था। ये डिबेट के बाद वीडियो मैंने बनाई थी, ये न्यूज 18 इंडिया की डिबेट में गया था, जिसमें जामिया नगर के पूर्व विधायक ओखला के आसिफ मोहम्मद खान भी गए थे, उन्होंने ही मौलाना अंसार रजा को लताड़ा है। वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस हमारे देश का जो माहौल हिंदू मुस्लिम में बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा रोल माना जाता है वो मीडिया का माना जाता है, पर मैं आपको बता दूं इनका भी बहुत बड़ा रोल है मौलाना का। अगर ये मौलाना टीवी डिबेट में जाना छोड़ दें और घर में बैठ जाए तो हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा होता जा रहा है हमारे देश में वो होना बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूंगा वीडियो, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाए। चलिए देखिए वो वीडियो, गद्दार की मौलाना गद्दार, बीजेपी का बहुत बड़ा दलाल, देखिए वो वीडियो। ठीक कह रहे हैं आप, हो गया हो गया। अरे सही बात रखो, अच्छी तहजीब के दायरे में रखो। आसिफ भाई बहुत सही कहा, माहौल ही क्या खराब कर रहे हो। ठीक कह रहे हैं आप, आपने बिल्कुल सही कहा। डिबेट में अब कभी तो आराम से घर में बैठ जाओ थोड़ी दिन के लिए, टाइम के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें अंदर, वहाँ करना प्रोटेस्ट जामिया पे जाके। वहाँ क्यों नहीं आते हो? वहाँ क्यों नहीं आते जामिया पे? एक भी दिन नजर आया तो मुझे जामिया पे? आपको पता है कहाँ प्रोटेस्ट किया है? मुझे पता है, पूरा दिन जामिया पे प्रोटेस्ट करते हैं हम। आए जामिया पे, हम भी वेलकम करते हैं। तुम वेलकम करते, तुम्हें भड़का रहा, बच्ची रोने लगी, वो गलत ले गई तो हम क्या करें उसके? वो गलत ले, फिर माफी की बात की मांग रहे थे, वो गलत अपने माफी मांग रहे थे ना। आसिफ भाई के कह रहे हैं माफी मांगी है, मैंने आसिफ भाई के कह रहे हैं माफी मांगी है। और आसिफ भाई बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि हमारे जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, आसिफ भाई की बात अच्छी लगी मुझे। किसके साथ आया, किसके साथ? साथ आने का मतलब क्या होता है? कोई एक्चुअल क्या चीज है बता? क्या एक्चुअल क्या चीज है भाई? छोड़ो ना यार, बात कर लो, ऐसी बात शॉर्ट आउट कर लो। अभी मांग आप खत्म हो गई बात, लेकिन बात ऐसी करनी नहीं चाहिए थी इनको। हमारे तो बैठे ही डैमेज हो रही है। ये हमसे कह रहे हैं कि हम सलमान को बदनाम करने आए थे, जिनके लिए हमने पूरी कॉन्फ्रेंस में प्रचार किया। ये हमसे कह रहे हैं कि हम सलमान को बदनाम करने आए थे। आप आसिफ भाई अपनी गाड़ी से आए हो? इंडिया टीवी जा रहे हैं। इंडिया टीवी गाड़ी बाहर हो गई। आसिफ भाई के लिए हर मीटिंग में, हर डिबेट में इसे टीवी पे बेहुदा बात करता है। ऐसे आदमियों को भाई बहुत जानना चाहिए चैनलों। गाड़ी तो भेजो, फोन दे।